कोई झूठ अफवाह और शंका संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष भी उसमें हम सबको मिलकर मदद करने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूँ, विपक्ष भ्रमित ना करे, सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। विपक्ष एनटीए पर ही सवाल उठा रहा है। सारा विषय चर्चा हो जाए ना, हम अपना विषय रखेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, कहा कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं। दरअसल आज जिस तरीके से सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया और सदन में नीट मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ, अब उसी मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है कि नीट पर विपक्ष भ्रमित ना करे, विपक्ष साथ मिलकर काम करे। बिल्कुल, और ये भी उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सही समय पर जो चर्चा है वो की जाएगी, विपक्ष साथ मिलकर काम करे, हम यही चाहते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, नीट को लेकर जिस तरीके से दोनों सदनों में आज हंगामा देखने को मिला, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, उसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चर्चा की जाएगी, सही समय पर चर्चा की जाएगी, और हम ये चाहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लगातार नीट का मुद्दा विपक्ष की तरफ से जोरों से उठाया जा रहा है और आज राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में नीट के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई और सदन को स्थगित भी किया गया। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि सबसे पहले नीट मुद्दे को लेकर बातचीत होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। वैसे में शिक्षा मंत्री का बयान, उन्होंने कहा कि हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, विपक्ष साथ मिलकर काम करे, नीट के मुद्दे पर विपक्ष भ्रमित न करे। एनटीए को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, सामने आ जाएगा, जांच होगी तो उस पर कार्रवाई फिर आगे की जाएगी। अब ऐसे में नीट का मुद्दा जो कि जोरों से इस वक्त राजनीति के इस मामले को लेकर गर्म नजर आ रहा है, अब ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान काफी अहम हो जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर साथ मिलकर काम करे और भ्रमित करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से ना की जाए, और साथ ही ये भी कह रहे हैं वो कि सरकार इस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार नीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लगातार जो कैंडिडेट्स हैं, जो छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से भी लगातार जो जानकारी है, जो जवाब है वो देने की मांग की जा रही थी, एनटीए पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस बीच आज जब दोनों सदनों में हंगामा हुआ, विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हम नीट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि लाखों जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान, विपक्ष साथ मिलकर काम करें, नीट के मुद्दे को लेकर भ्रमित न किया जाए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेएडएक्स को लेकर बड़ी खबर, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष संभव माने जा रहे हैं, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, और कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, संजय झा का नाम सामने आया है, कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कल जेडीयू के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक होने वाली है, तो जेडीयू अध्यक्ष को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष संभव है, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी। हमारे सहयोगी प्रकाश उस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, प्रकाश आज नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं और इस बीच ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट कि संजय झा को बनाया जा सकता है, अब ऐसे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो मामला है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक का, इसमें दरअसल बैठक होनी है और बहुत सारे मुद्दे पर मुहर लगनी है कि आगे की कार्रवाई को लेकर के, कि कैसे बिहार में राजनीति को आगे रखना है, और इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष बने, ताकि जो भी डे टू डे का काम होता है या फिर एनडीए में संयोजक नहीं होने की वजह से जो बीजेपी के नेता से बात कर सके, तो संजय झा इसमें फिट बैठते हैं। पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, उन लोगों ने भी कहा है कि हाँ, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। दरअसल जब से सरकार बनी है तब से एक कड़ी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जेडीयू के संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं वो बने हैं, और सरकार बनाने में भी उनकी काफी अहम भूमिका रही है, तो ऐसे में आगे भी अगर बीजेपी से किसी से बात करनी हो तो वो कर सकते हैं। और दूसरा कि ललन सिंह
अगड़ी जाति से आते थे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अब किसी को अगड़ी जाति के रूप में भी देखा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में समकक्ष में कोई काम कर सके कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, तो संजय झा उसमें भी फिट बैठते थे। तो कुल मिलाकर हर तरह से संजय झा फिट बैठ रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में है, वो अब राज्यसभा में है, तो इसी के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि वो अगले कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो कल बहुत कुछ निर्भर है उन बैठकों पर जो कल होने वाली है। बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए झमाझम बारिश ने दिल्ली में फिर एक बार तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास IGI एयरपोर्ट पर आज बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिर गया, कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई है। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, हादसे में घायल एक शख्स की मौत हो गई है। जानकारी ये मिली थी एयरपोर्ट पर हादसे के बाद जो कई उड़ानें हैं उन पर भी असर हुआ है। हादसे के बाद घटनास्थल पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहुंचे, जायजा लिया, मुआवजे का भी ऐलान किया और इस बीच हादसे पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस इमारत का उद्घाटन मोदी सरकार में हुआ था, तो बीजेपी का ये कहना है कि इसका उद्घाटन 2009 में UPA सरकार में हुआ था। तो देखिए पूरा मामला अब सियासत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी खबर ये है, देखिए बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर देते हैं आपको। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि देश भर के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी भी जांच की जाएगी, दिल्ली जैसे हादसे फिर ना हो इसलिए जांच की जाएगी। तो देखिए दिल्ली जैसे हादसे फिर दोबारा से नहीं होने चाहिए इसलिए जांच होगी। आज समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि इस तरीके के मामले फिर से नहीं होने चाहिए। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोग फर्जी खबर न फैलाएं, PM ने दूसरी इमारत का उद्घाटन किया था, हादसा 2009 में बनी इमारत में हुआ है, 2009 में UPA की सरकार थी। इसके बाद क्या हमारी तरफ से जो इसके लिए क्या स्टेप दिल्ली में जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे और पूरी तरह ऐसा हादसा फिर से ना हो इसका हम वो करेंगे। आज रिव्यू मीटिंग रखा है मैंने। नायडू साहब कुछ घंटे हो गए हैं इस घटना को, क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है, क्या वजह दिल्ली एयरपोर्ट पर चढ़ो बिल्डिंग पूरा इंस्पेक्ट करना है, तो वी आर गिविंग देम एम्पल टाइम सो दैट देयर इज नो हरी ऑन एनीथिंग, वी वांट जस्टिस टू बी डन। कब तक उन्हें रिपोर्ट सौंपनी और ये बैठक कब है आपकी? घटनास्थल पे जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए क्या क्या कर रही है सरकार? उनके लिए कॉम्पेंसेशन भी अनाउंस कर दिया गया है, जो डिसीज्ड है जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 20 लाख और जो इंजरी है उनके लिए 3-3 लाख करके करा है और जो इंजर्ड है अभी भी उनकी ख्याल रख रहे हैं हम, हॉस्पिटल में है और सबकी देखभाल करी जा रही है और जो भी आगे का होगा वो सब में। सर सवाल पोजीशन सवाल उठा रहा है कि PM ने उद्घाटन किया था मार्च में और बिल्डिंग है। ओके, ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। जो PM साहब ने जिन वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है जो 2009 में। जो लोग मिसलीड कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग मिसलीड कर रहे हैं इस चीज को लेके, जो मिसलीड किया जा रहा है? ना करें ऐसे, ना करें, इतने रिस्पॉन्सिबल स्टेज पे आप हो तो इस तरह के फेक न्यूज को फैलाया ना जाए, यही अच्छा है। और देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री को आपने सुना और इस बीच पूर्व उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि 15 साल के बाद कोई दुर्घटना कैसे हो सकती है और वो इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, हो सकता है कि मेंटेनेंस की कमी रही हो और जिसके चलते ये हादसा हुआ है। सर एयरपोर्ट का एक हिस्सा जो गिरा है उसको लेके सवाल से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि 2009 में वो उद्घाटन हुआ था, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तब आप नागरिक उड्डयन मंत्री थे, क्या आपका जवाब है? देखिए कोई भी इमारत 15 साल के बाद अगर कोई क्षति होती है, कोई उसमें दुर्घटना होती है तो उसके बारे में मैंने जवाब देना उचित नहीं है। उस टाइम पर मुझे मालूम है कि सबसे अच्छी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, उन्होंने इस इमारत का पूरा कंस्ट्रक्शन किया था
और इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट और बाकी सब उसकी तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है, कोई मंत्री या कोई मंत्रालय का कौन प्रमुख है उसका कोई इसमें रोल नहीं होता है। फिर भी 15 साल के बाद, अब हो सकता है कोई मेंटेनेंस की बात हुई हो, कोई और कोई कारण हो, और L&T जैसी कंपनी ने अगर मैन्युफैक्चर अपना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर कोई 15 साल बाद दुर्घटना होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ पर जान हानि हुई है, उसके लिए भी मुझे मेरी पूरी संवेदना है।